हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम एक्सप्लेन अबाउट न्यू टॉपिक. इट इज़ अ प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लामेंटस प्लेसेंटा. ब्लामेंटस प्लेसेंटा क्या है? एक प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है. इसमें क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल सिचुएशन समझते हैं, देन एबनॉर्मलिटी समझते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि हमारा क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसका ये फीटस है, फीटस. ये फीटस के जो कवरिंग होती है उनको मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एमनियन एंड कोरियन. एमनियन और कोरियन फीटस को कवर किए होती हैं, जिसके अंदर हमारा फीटस डेवलप होता है. इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड भरा हुआ है. फीटस से क्या निकलती है? अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा है. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच होती है. बट इन ब्लामेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना होकर वो कहाँ अटैच होती है, सबसे पहले मेम्ब्रेन से, एमनियन एंड कोरियन से जाके अटैच होती है. देन ये अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है. समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कहाँ डायरेक्ट किससे अटैच होनी चाहिए, प्लेसेंटा से अटैच होनी चाहिए. इट इज़ अवर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है प्लेसेंटा से डायरेक्ट अटैच होनी चाहिए. बट इन ब्लामेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है पहले मेम्ब्रेन से अटैच होगी, ये एमनियन और कोरियन है, इनसे अटैच होगी, देन इसके बाद प्लेसेंटा से अटैच होती है. अब इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, इन दिस कॉर्ड अटैच टू मेम्ब्रेन. इसमें कॉर्ड कहाँ अटैच होती है, मेम्ब्रेन से. अब देखो, ये इसमें 9 वीक से पहले कोई दिक्कत नहीं होती है ब्लामेंटस प्लेसेंटा, बट एट द टाइम ऑफ लेबर, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, जब ना कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होती है तो ये मेम्ब्रेन हमारी रप्चर होगी. एमनियन और कोरियन क्या होगी, रप्चर होगी. जब एमनियन और कोरियन रप्चर होंगी तो मेम्ब्रेन और कोरियन से क्या अटैच है, हमारा कॉर्ड अटैच है, तो कॉर्ड में भी इंजरी होगी. कॉर्ड में इंजरी होगी तो कॉर्ड किस, कॉर्ड के अंदर क्या होता है, आर्टरी होती है, वेन होती है. क्या होता है, आर्टरी और वेन. तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी इसकी आर्टरी और वेन भी रप्चर होंगी. आर्टरी और वेन रप्चर होंगी तो उनसे क्या होगी, टू आर्टरी होती है, वेन होती है. जब आर्टरी और वेन रप्चर होंगी तो उनसे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी. तो वही लिखा है इसमें, ड्यूरिंग लेवर मेम्ब्रेन रप्चर, जब लेवर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, एमनियन और कोरियन रप्चर होंगी. एमनियन और कोरियन के रप्चर होने से कॉर्ड का भी इंजरी होगी, कॉर्ड की इंजरी होगी तो उसके इंजरी होने से क्या होगी, आर्टरी और वेन भी इंजर्ड होंगी, जिससे ब्लीडिंग होगी. क्या होगा, ब्लीडिंग होगी. इस ब्लीडिंग वाली कंडीशन को बोलते हैं बासा प्रीविया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बासा प्रीविया किसे बोलते हैं, ब्लामेंटस प्लेसेंटा किसे बोलते हैं. तो ब्लामेंटस प्लेसेंटा क्या होगा, जब हम फीटस का कोड डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना होकर कहाँ सबसे पहले अटैच हो, मेम्ब्रेन से अटैच हो, और जब लेबर के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, बासा प्रीविया बोलते हैं. क्वेश्चन ये आता है एमसीक्यू हमारा एम्स में, ये पूछा जाता है कि जो ब्लामेंटस प्लेसेंटा या ब्यासा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो मैटरनल ब्लीडिंग होती है या फीटल ब्लीडिंग होती है. तो आप बताइए, खुद बताइए कि कौन सी ब्लीडिंग हो रही है, किसकी ब्लीडिंग हो रही है, मैटरनल ब्लीडिंग हुई है कि फीटल ब्लीडिंग हुई है. तो इसमें साफ साफ ही दिख रहा है कि किसकी ब्लीडिंग हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लीडिंग हुई है. अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब किसका पार्ट है, फीटस का पार्ट है, तो मतलब फीटल ब्लीडिंग हुई है. ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आता है कि एक ना जैसे हमें पता करना है कि ये जो ब्लीडिंग हुई है मैटरनल हुई है या फीटल ब्लीडिंग हुई है, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, सेंगर्स एल्कलाइन डी नेचुरेशन टेस्ट. सेंगर्स एल्कलाइन डी नेचुरेशन टेस्ट, इस टेस्ट से हम क्या पता करते हैं, इसमें मैटरनल ब्लीडिंग हुई है या फीटल ब्लीडिंग हुई है, इसका पता लगाते हैं. सो आई होप यू गाइस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ब्लामेंटस प्लेसेंटा एंड व्हाट इज वॉशर प्रीविया. थैंक यू.